वेरी गुड इवनिंग कैडेट्स डिफेंस एकेडमी के शेरो। तो आज आते हैं एवरेज लेक्चर के सेकंड लेक्चर्स पर। तो आज एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ फिर से उतरे हैं। कल का जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट बेस्ड ऑन नंबर्स था। टेलीग्राम पर आपको क्वेश्चंस भी दे दिया गया था, आप उसे प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। तो डेली हम एक से दो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। फटाफट जुड़ जाओ, फटाफट शेयर कर दो, फटाक से सारे के सारे शेयर हो, फटाक से शेयर करो। बहुत सही, बहुत सही। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। टेलीग्राम के लिंक पर आपको मिल जाएगा, आपको वहीं से व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा और टेलीग्राम पे लिंक पर आपको वहीं पर आपको मटेरियल भी मिल जाएगा, डेली अपडेट होगा। ठीक है, तो फटाक से। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, वो क्या है? किसी के आने से आपके लाइफ में किसी के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना? देखेंगे कि कोई आएगा तो कौन सा दर्द देता है ध्यान से। तो आज का टॉपिक बहुत ही इमोशनल टॉपिक है, तो आपको सारी बातें याद आ जाएंगे। देखो ध्यान से, पुरानी बातें सारी, ठीक है ध्यान से। तो आज हम देखने वाले हैं कि अगर कोई ग्रुप के अंदर आता है एवरेज के अंदर, कल हम देखेंगे किसी के जाने से, और आज हम देखने वाले हैं कि किसी के आने से क्या होने वाला। ठीक है ध्यान से, अगर कोई ग्रुप के अंदर आ रहा है तो एवरेज में चेंज कैसा होगा, एवरेज कैसा रोल प्ले करेगा, आज हम देखने वाले। ठीक है ध्यान से, एकदम खतरनाक तरीके से उड़ाएंगे। स्टार्ट करें तो एक साथ हाजिरी लगाएंगे, माता रानी का नाम लेते हुए बोलो जय भवानी। ठीक, तो फटाफट फोड़ेंगे। देखो ध्यान से मेरी बात को समझो, पहले कंसेप्ट समझो। इस लिंक पर आप नंबर, ये लिंक है आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी, बोल्ड लेटर पर लिखा हुआ है कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहां पर डेली क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं आपको बताया था डेली आपके पास आकर मैं एक कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, एक या दो कंसेप्ट, उस पर आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे और प्लस आपको टेलीग्राम चैनल पर होमवर्क के लिए रात को मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहां भी लाइव भी हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और होमवर्क भी करेंगे। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए कुछ भी इंक्वायरी अगर लेनी हो तो इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्त। ठीक है, फटाक से पहले देखो ध्यान से मेरी बात को समझना, एकदम बहुत प्यारी बात बता रहा हूं। देखो ध्यान से, मान लो बच्चा आप लोग अभी बैठे हो 763 लोग, मान लो आप लोगों की औसत आयु है 22 साल। मेरी बात को समझना, आप लोगों की औसत आयु कितनी है? 22 साल। समझो भैया, जितने भी लोग थे, कुछ लोग थे जिनकी औसत आयु कितनी है? 22 साल। इसी ग्रुप में अगर एक 30 साल का बच्चा घुस जाएगा, अगर इसी ग्रुप में अगर 30 साल का अगर एक टीचर घुस जाएगा तो क्या होगा? 22 साल वाले ग्रुप में, एवरेज जिस ग्रुप का 22 साल है, अगर उसमें टीचर घुसेगा तो भैया टीचर के जाने से इस ग्रुप की औसत आयु जो होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी भाई? टीचर कह रहा भाई साहब मेरी औकात इस ग्रुप से ज्यादा है। टीचर कह रहा कि ग्रुप के जो एवरेज था वो 22 साल का था और मैं खुद 30 साल का हूं, तो इसका मतलब मैं 22 से ज्यादा हूं। भैया मेरी आयु 22 साल से ज्यादा है। मैं बोला कितना ज्यादा है? तो भैया टीचर की जो आयु है 22 साल से 8 साल ज्यादा है। तो भैया जो भी एक्स्ट्रा लाया है वो सब में बट जाएगा। एवरेज कद्दू होता है, कटेगा सब में बटेगा। कल के डेट में नरेंद्र मोदी जी ने रात को 8 बजे आकर, जैसे मैं रात को 8 बजे आता हूं, मोदी जी प्रणाम, कल के डेट में मोदी जी ने आकर बोला भाइयों और बहनों, वायरल मत कर देना, मोदी जी ने बोला भाइयों और बहनों, मैं इस देशवासियों के परफॉर्मेंस से बहुत खुश हुआ, आपने मुझे बहुत प्यार मोहब्बत दिया है, भाइयों और बहनों मैं आपके खाते में, मैं पूरे देशवासियों के खाते में 250 करोड़ रुपए डालना चाहता हूं। कितना? 250 करोड़ रुपए। मोदी जी ने बोला ध्यान रखो एवरेज का कंसेप्ट है, एक ही कंसेप्ट है, जिसको सीखना होगा एक क्वेश्चन से सीख जाएगा, इसी कंसेप्ट में पूरा एवरेज है, एक बार मीचेंगे एकदम धड़ से छोड़ेंगे, एकलव्य की तरह एक कंसेप्ट। मोदी जी ने बोला, श्री मोदी जी ने रात को 8 बजे आकर, भाइयों और बहनों मैं आपके कंसेप्ट से बहुत प्रभावित हुआ हूं और मैं आप लोगों के, मैं अपने देशवासियों के खाते में 250 करोड़ रुपए क्या करना चाहता हूं? बांटना चाहता हूं। सबने भैया डीजे उजर ऑर्डर कर लिया, भयानक नाच रहे, रंग उड़ा रहे हैं,
डीजे ऑर्डर कर लिया भाई ने, 5,000 रुपए का मोहल्ला में 5,000 की डीजे लग गई। भाई ने बोला करोड़ों में आ रहा, 5,000 मेरे तरफ से। सब डांस करने लग गए, अकाउंट में बैलेंस आया, सबके होश उड़ गए। क्या कारण था? मोदी जी ने 250 करोड़ रुपए दिया, देश की पूरी जनसंख्या कितनी है? 125 करोड़। कद्दू कटेगा सब में बटेगा, 250 करोड़ में 125 करोड़ मारा धड़, सबके अकाउंट में आएंगे 2 रुपए। सर पटक लिए सबने, हाय राम, 5,000 का डीजे मंगा रखा था मैंने, डीजे 5,000 का, और मोदी जी ने खाते में दिया 2 रुपए। तो भैया ऐसा है कि एवरेज एक कद्दू है, जब कटता है तो सब में बटता है और जब ली जाती है तो सबसे, समझ गए होंगे। तो ध्यान रखना इस बात को, ये एग्जांपल समझाया मैंने। वैसे मोदी जी ऐसा करते हैं तो मैं तो डीजे नहीं मंगवाऊंगा, ठीक है ध्यान से। तो मेरी बात को समझना कि एवरेज जब भी आता है, अगर कोई ग्रुप में बड़ा व्यक्ति आता है तो वो एवरेज को बढ़ाता है, बड़ा व्यक्ति एवरेज को बढ़ाएगा और छोटा व्यक्ति एवरेज को कम कर देगा। मेरा वजन है 70 किलो, कोई मुझसे पूछेगा कि भाई साहब आपका वजन कितना है, मैं बोलूंगा मेरा वजन तो 70 किलो। भाई साहब आपका औसत वजन कितना है, मैं बोला एक ही तो बंदा हूं तो मेरा 70 किलो है। अब 70 किलो का मैं हूं, मैं सब जगह रॉप से घूमते चल रहा कि भाई साहब मेरा एवरेज तो 70 किलो है। किसी ने मेरे हाथ में 2 किलो का बच्चा दे दिया, 70 किलो का मैं, 2 किलो का बच्चा, हमारा औसत कितना हो गया? 70/2 कितना हो गया आपका? 70+72 कितना? 36 किलो हो गया भैया। एवरेज कम कैसे हो गया? क्योंकि एवरेज से छोटा बच्चा आ गया। तो ग्रुप में जब भी बड़ा व्यक्ति आएगा एवरेज को बढ़ाएगा, क्योंकि उसकी औकात ज्यादा है, और अगर ग्रुप में छोटा व्यक्ति आएगा तो एवरेज को कम करेगा। मारो 4 लाइक और धड़ से करो, 1,000 बच्चे लाइव आ जाए, ठोको 1,004, फोड़ो। अब आज के क्लास में सिर्फ हम देखने वाले हैं कि किसी के आने से क्या प्रभाव पड़ता है, आपके लाइफ में किसी के आने से क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर पहला, अब यहां से फोड़ेंगे आज एवरेज का सेकंड लेक्चर। पढ़ो क्वेश्चन, उड़ाओ धड़धड़ाकर, सारे उड़ाएंगे, धड़धड़ उड़ाएंगे। एवरेज एज ऑफ 10% इज 20 ईयर्स, औसत दे रखा 20 साल, ये रेफरेंस है। 10 लोग का औसत कितना है? 20 साल। सारे क्वेश्चन मन मन में उड़ाएंगे, सारे वाई ग्रुप वाले फोड़ देंगे एकदम पूरा, ठीक है। इतना ऐसा फोड़ेंगे कि हर एक्स ग्रुप का बच्चा भी कंपेल हो जाएगा कि भाई साहब हमें तो क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। देखो ध्यान से, एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स कितना दे रखा है? 10 बच्चों का औसत कितना है? तो भैया 20 साल है। ऊपर ऊपर से करेंगे पूरा क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 10। और इन 10 लोगों का औसत कितना है? तो 10 लोगों का औसत है 20 साल। ध्यान रखो ये रेफरेंस है, ये बच्चे क्लास कौन से होंगे? ये बीटेक फर्स्ट ईयर के बच्चे, 20 साल के या 12वीं करके आएंगे। 10 लोगों का औसत वजन कितना है? 20 साल है। एक बंदा और ग्रुप में आ गया, ध्यान दो, ये जो बंदा आया है टोटल कितने हो गए अब? 11 लोग। या तो ये बंदा, 3 केसेस है, या तो ये बंदा 20 साल से बड़ा, या 20 साल से छोटा, या 20 साल का। मेरी बात को ध्यान रखना, हर क्वेश्चन ऊपर ऊपर से होगा। भैया ग्रुप का रेफरेंस कितना है? 20 साल। 20 साल रेफरेंस आ गया। 10 लोगों का औसत कितना है? 20 साल है। नया बंदा ग्रुप में गया, या तो 20 साल से कम का होगा, अगर 20 साल से कम का हुआ तो एवरेज को कम कर देगा, अगर वो 20 साल का हुआ तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर बड़े नए बंदे की औकात 20 साल से ज्यादा की होगी तो वो एवरेज को बढ़ाएगा। क्वेश्चन क्या लिख रहा है? एक नए बंदे के आने से, ऑन द अराइवल ऑफ न्यू पर्सन, द एवरेज एज इंक्रीजेस बाय 2 ईयर। औसत में 2 साल की वृद्धि हो गई। वो नया बंदा कितना होगा? तो वो नया बंदा कह रहा, बाबूजी मेरा जो है ना, मेरा औकात 20 साल से ज्यादा है। मैं बोला कैसे पता तेरे ज्यादा है? बोला बाबूजी मेरा औकात समझो, मेरे जाने से ग्रुप की औसत आयु बढ़ गई, इसका मतलब मैं 20 साल से क्या हूं? बड़ा हूं। मैं बोला कितना बड़ा है? बोला देखो बाबूजी 20 साल तो है ही है, मैंने एवरेज बढ़ाया 2 साल, कद्दू कटा 11 लोगों में बढ़ गया, मैंने 11 लोगों के एवरेज को बढ़ाया कितने साल? तो 11 लोगों में 2 साल बढ़ाया, इसका मतलब मैं 20 साल में 22 साल बढ़ा हूं, इसका मतलब मेरी आयु कितनी हो गई? 42 साल। क्या पेन उठाने की जरूरत थी? नहीं, कैलकुलेशन से नहीं करेंगे हम इसे। फिर से मन मन में समझो, 10 लोगों की अगर समझ में आएंगे सब मुस्कुराएंगे एकदम। 10 लोगों का एवरेज कितना है? 20 साल।
रेफरेंस कितना हो गया, 20 साल रेफरेंस है, ग्रुप का रेफरेंस 20 साल, नया बंदा ग्रुप में गया एवरेज बढ़ गया, इसका मतलब नया बंदा पक्का ग्रुप से बड़ा होगा। पूरा ग्रुप कितने का है, 20 साल का, नया बंदा बोला कि मैंने एवरेज को बढ़ाया है, इसका मतलब मैं ग्रुप से बड़ा हूं। मैं बोला कितना बड़ा है, बोला जाकर पूछो उन 11 लोगों से, मेरे जाने से एवरेज 2 साल बढ़ गया, तो 11 दुनी 11 लोगों को 2-2 साल का प्रॉफिट हुआ, तो 11 दुनी मैं ग्रुप के एवरेज से 22 साल बड़ा हूं, मतलब कितना हो गया 42 इयर्स। जितने लोग का समझ में आया एक बार मुस्कुरा कर उड़ा दें 42, लाइक करके बताएं कितने लोगों का समझ में आ गया। अब सारे क्वेश्चन इसी पे देखेंगे, किसी के आने से 10 क्वेश्चन हम देखेंगे, फटाफट उड़ाएंगे, बिल्कुल भी सेकंड्स नहीं लेंगे क्वेश्चन उड़ाने में। बहुत सही बच्चा, वेरी गुड, धड़धड़ा दो, बहुत सही बहुत सही। नेगी जी भी यही है, नेगी जी आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले किसका आता है, नेगी जी आप नाम लीजिएगा, किसका सबसे पहले आंसर आता है। अगला क्वेश्चन उड़ाएं, अगला क्वेश्चन देखें, उड़ाएं, देखें, उड़ाएं, देखते हैं सबसे पहले किसका आता है। बेहतरीन बेहतरीन, उड़ाएं दोस्त, उड़ाएं, बहुत सही। 56.5 आया बबलू सर, बबलू वर्मा का 67, 56.5 बबलू वर्मा ने फोड़ दिया सबसे पहले 56.5। हे बबलू वर्मा, देखते हैं तुम्हारा आंसर सही आया कि गलत आया। बबलू वर्मा बोलते हैं भैया 56.5 आया, तो बबलू वर्मा का सुन लेते हैं थोड़ा, देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। एवरेज एज ऑफ 20% इज 25 ईयर्स, भैया टोटल लोग कितने हैं, टोटल लोग 20 लोग हैं, और इनका एवरेज कितना है, 25 साल है। ये रेफरेंस हो गया, 25 साल इस ग्रुप की औकात है, ये रेफरेंस हो गया। अब जो भी इस ग्रुप में आएगा 25 साल से या तो बड़ा आएगा या तो 25 साल से कम। मैं हूं 30 साल का, आप या तो मुझसे बड़े हो गए या तो छोटे हो गए, यही तो दो कंडीशन है। भैया देखो ध्यान से, 20 लोगों का एवरेज कितना है, 25 साल है। इस ग्रुप में कौन आया, एक आदमी के आने से एक आदमी आया, तो पूरा ग्रुप हो गया 21 साल। आप देखो ध्यान से, 21 साल में क्या, 21 लोगों में क्या हुआ, 20 लोगों की औसत आयु 25 साल, 20 लोगों की औसत आयु 25 साल, एक नए व्यक्ति के आने से औसत में एक साल की वृद्धि हो गई, एक साल 6 महीने की। भाई साहब नए बंदे की औकात समझो, 20 लोग का औसत कितना था, 25 साल। नया बंदा ग्रुप में आया, बोला बाऊजी मेरी औकात इतनी खतरनाक है कि मैंने पूरे ग्रुप का एवरेज को बढ़ा दिया। मैं बोला क्या है तेरी औकात, तो नए बंदे ने बोला बाऊजी मैं इस ग्रुप के एवरेज से तो बड़ा हूं। मैं बोला कितना बड़ा हूं, तो बोला बाऊजी मैंने एवरेज बढ़ा रखा, मैं 25 साल का नहीं हूं। भाई साहब अगर मैं 25 साल का होता तो मैं एवरेज को बढ़ा नहीं पाता, बड़ा व्यक्ति ग्रुप में घुसता है एवरेज बढ़ जाता है। कितना बढ़ाया उसने एवरेज, उसने औसत बढ़ाया एक साल 6 महीना, मतलब 1.5 साल। एवरेज एक कद्दू होता है, कटेगा सब में बढ़ जाएगा। तो भैया कितना, 21 लोगों में, 21 लोगों में उसने कितना वृद्धि किया, 21 लोगों में उसने वृद्धि किया 1.5 साल का, तो 21 गुना 1.5। पिछले वाले क्वेश्चन में 2 साल की वृद्धि थी, इस वाले क्वेश्चन में 1.5 साल की वृद्धि है। भाई साहब 20 लोगों का एवरेज कितना है, 25 साल। नया बंदा ग्रुप में गया और उसने एवरेज को बढ़ा दिया, बोला भाई साहब जा रहा हूं इस ग्रुप के अंदर और एवरेज बढ़ा के आऊंगा। मैं बोला कैसे, तो बोला 25 साल से बड़ा है तेरा भाई, तेरा भाई का चलती है, मैं तेरा भाई 25 साल से बड़ा है। मैं बोला कैसे पता भाई, बोला भाई साहब जा रहा हूं एवरेज को बढ़ा कर आऊंगा। कितना बढ़ाया, 1.5 साल, कितने लोगों में, पूरे 21 लोगों में। तो भैया ये कितना हो गया, नया बंदा 25 साल प्लस 21 गुना 1.5 कितना हो गया आपका, 21 गुना 1.5 कितना हो गया आपका, 21 और 10.5 कितना हो गया आपका, 31.5। 21 गुना 1.5 कितना हो गया, 21 और 21 का आधा 10.5, 31.5, तो कितना हो गया आपका, 56.5 साल। तो भैया नए बंदे की आयु कितनी होगी, 56.5। बबलू वर्मा के लिए तालिया, बबलू वर्मा के लिए तालिया, बबलू वर्मा ने धड़ा दिया है 56.5, वेरी गुड, 56.5, बी 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 56.5। फर्स्ट क्वेश्चन भी सेम था बच्चा, औसत 1.5 साल, देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसी, देखो ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चन भी। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ 10% इज 20 ईयर्स, टोटल कितने लोग हैं? तो टोटल 10 लोग हैं, टोटल 10 लोग हैं और 10 लोगों का जो एवरेज है वो 20 साल है, 20 साल का एवरेज है, ये रेफरेंस है। कोई भी बंदा आएगा एवरेज से बड़ा आएगा या तो छोटा आएगा। एक बंदे के जाने से वन मोर पर्सन ज्वाइन द ग्रुप, एक बंदा और चला गया तो पूरा ग्रुप हो गया 11 लोगों का। उस बंदे की औकात देखनी है कि नए बंदे की औकात क्या है, तो नया बंदा कह रहा है कि बाबूजी मेरे जाने से एवरेज में 2 साल की वृद्धि हुई है, मैं 20 साल वाला नहीं हूं बाबूजी, आपका ग्रुप 10 लोगों का ग्रुप 20 साल था, मैं 11वां बंदा हूं, मैं जाकर एवरेज को बढ़ा रहा हूं। तो बाबूजी मैं 20 साल से बड़ा हुआ मैं फिर, क्योंकि अगर मैं खुद 20 साल का होता मात्र तो मैं एवरेज नहीं बढ़ा सकता था, अगर मैं 20 साल से कम का होता तो एवरेज घटा देता। मैंने एवरेज को बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है? मैंने एवरेज को 2 बढ़ाया है। कितने लोगों में? तो एवरेज वृद्धि होगी पूरी ग्रुप में, 11 लोगों का एवरेज बढ़ गया, इसका मतलब 11 लोगों का 2 साल बढ़ गया, तो 11 दुनी मैं 22 साल एक्स्ट्रा हूं, तो 20 + 22 कितना हो गया आपका 42 ईयर, तो भैया कितना हो गया 42 साल। ये था पहला कंसेप्ट, दूसरा बता दिया, देखते हैं तीसरा कंसेप्ट कौन कौन बताता है। सबसे पहले किसका नाम लेता हूं मैं, सबसे पहले किसका नाम लेता हूं, फटाक से उड़ाए से, तीसरा क्वेश्चन उड़ाए, नेक्स्ट क्वेश्चन 42, वेरी गुड। बंदा जाता है तो क्या करेगा वो हम कल देखेंगे, जस्ट रिवर्स हो जाएगा बच्चा उसका, बड़ा बंदा ग्रुप में आएगा एवरेज बढ़ाएगा, बड़ा बंदा ग्रुप से जाएगा एवरेज कम कर देगा। सिंपल सा कंसेप्ट है भैया, उड़ाए इसको, देखते हैं कितने शेयर बैठे हुए हैं वाई ग्रुप के, कितने लोग फोड़ रहे हैं, कितना दोस्त आंसर यहां 54 आया, यहां आंसर 54, 54 56, 54 और 56 आ रहा है, बहुत सही बेहतरीन, 54 और 56। देखो ध्यान से कैसे करो करें, कहीं एवरेज ऑफ 6 नंबर, टोटल नंबर कितने है? तो टोटल नंबर 6 है, हो गया भैया, और 6 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, तो 6 संख्याओं का एवरेज 45.5 है, ये रेफरेंस निकल कर आ गया, ग्रुप का एवरेज 45.5, तो इसका मतलब जो भी ग्रुप के अंदर घुसेगा वो या तो 45.5 से ज्यादा घुसेगा या तो कम घुसेगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ अ न्यू नंबर इज एडेड, नया नंबर और एक ऐड हो गया तो टोटल नंबर कितने हो गए? 7। अब नए नंबर के जाने से कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ा होगा, नया नंबर जो है ग्रुप का एवरेज कितना था 45.5, इसी को रेफरेंस मानो, नया बंदा या तो 45.5 से ज्यादा होगा या तो उससे क्या होगा, कम होगा। अगर नया बंदा घुसकर एवरेज बढ़ाएगा तो ज्यादा होगा, अगर उसने एवरेज को कम की होगी तो कम होगा। नए बंदे के जाने से जो नया एवरेज बन गया वो 47 हो गया, एवरेज जो 45.5 था वो 47 हो गया। अरे यात्रीगण ध्यान दे भैया, लोग बाग कितने? 6 संख्याओं का एवरेज कितना? 45.5। नया बंदा इसी ग्रुप में गया, बोला बाबूजी या तो मैं 45.5 से ज्यादा या तो कम, मैं बोला बता तेरे जाने से हुआ क्या, बोला बाबूजी जिस दिन मैं गया ना ग्रुप का एवरेज 45.5 से 47 हो गया, मतलब एवरेज बढ़ गई 1.5 आया ना। नया बंदा कह रहा है मेरे जाने से एवरेज बढ़ गया, मतलब बाबूजी आपका भाई पिछले वाले ग्रुप के एवरेज से बड़ा था। बड़ा बंदा जाएगा एवरेज को बढ़ाएगा, नए बंदे के जाने से एवरेज अगर बढ़ गया इसका मतलब नया बंदा पक 45 से क्या है, ज्यादा है। ग्रुप का रेफरेंस 45.5 था, नए बंदे ने एवरेज को बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया उसने एवरेज को? 1.5 बना दिया। कितने लोगों को बढ़ाया उसने? तो 7 लोगों में, तो 7 लोगों में अगर 1.5 बढ़ा रहा है इसका मतलब वो 45.5 से इतना ज्यादा हो गया। एवरेज 1 बढ़ाता गुना 1 करता, 2 बढ़ाता गुना 2 करता, इसने 45.5 से 47 कर दिया, इसने 1.5 बढ़ा दिया। कितने लोगों को फायदा मिला? तो 7 लोगों को, पूरे ग्रुप को। तो ये कितना हो गया आपका 45.5, और 7 गुना 1.5 कितना होगा? 7 गुना 1 7, और 7 गुना 1/2 3.5, 7 गुना 1 7, और 7 गुना 1/2 3.5, तो 7 और 3.5 कितना हो गया 10.5, तो 10.5 वो एक्स्ट्रा है। तो 45.5 और 10.5 कितना हो गया 56। कितने लोगों का आंसर आया एक बार मुस्कुरा कर हाथ उठा दे, बोल दे जय भवानी, जितने लोगों का आंसर आया 56 56, 56, नेगी जी देखते रहना कितने लोग आंसर सबसे पहले दे रहे हैं, 56 56, वेरी गुड, 56 बेहतरीन,
कंसेप्ट चेंज करने वाला हूं मैं, कंसेप्ट चेंज करने वाला हूं मैं, अगला कंसेप्ट चेंज करने वाला हूं मैं। बहुत सही, बहुत सही, मुस्कुरा कर एकदम, बहुत सही। अब की बार एयरफोर्स वाई ग्रुप पार, ठीक है, उड़ा दें। वाई ग्रुप वाले एक्स ग्रुप वाले को जाकर हिला दें, ऐसे ऐसे करके हिला दें कि भाई साहब वाई ग्रुप में कूदो, है ना, हिला दें, सोते हुए को उठा दे। देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार। अरे वाह, 400 ग्राम बढ़ गया। अरे भाई साहब तो खतरनाक आ गया वाई ग्रुप में, ये क्या आ गया वाई ग्रुप में, ये क्या आ गया भाई साहब वाई ग्रुप में। अब देखते हैं ये क्या आ गया वाई ग्रुप में। उड़ाए, धड़धड़ा दो, आशीष कुमार थोड़ा पहले से देखो, देखो ध्यान से क्या कह रहा बच्चा, बच्चा नया एवरेज। देखो आज एक ही कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, है ना, सिर्फ एक ही कंसेप्ट है ना, कोई दो तीन कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ एक ही कंसेप्ट है किसी के आने से। अगर एक क्वेश्चन मिस हो गया, थोड़ा लेट ज्वाइन किया हो, तो एक काम करना, अगले क्वेश्चंस को देख लेना, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ध्यान दो बच्चा, जिसे नहीं समझ में आया इस क्वेश्चन को देखेंगे। 45 और 42 निकल कर आ रहा है, 45 42 42, बहुत सही। देखो ध्यान से, जो लेट ज्वाइन किए इसको देख लो, कहीं भी कोई भी कंसेप्ट मिस होगा अगला क्वेश्चन देख लेना, सेम टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन एकदम शुद्ध देसी लैंग्वेज में समझो। द एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट इज 35 केजी। भैया टोटल कितने लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं, तो 24 लोग हैं हमारे पास। यहाँ जादू भी हम कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट, 24 लोग हैं, इनका एवरेज वजन जो है वो कितना है, 35 किलो। 35 किलो के लोग बैठे हुए, रेफरेंस मिल गया, ये जो ग्रुप है 24 लोगों का उसका औसत 35 किलो है। अब आ जाओ कोई भी, अब कोई भी ग्रुप में आएगा या तो 35 किलो से ऊपर का आएगा या तो 35 किलो का नीचे का आएगा। अगर 35 किलो वाला ही आ गया तो क्या होगा, एवरेज चेंज नहीं होगा। एवरेज चेंज क्यों होता है, क्योंकि 35 से या तो ऊपर का आएगा या तो नीचे का आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है द वेट ऑफ टीचर इज एडेड, टीचर आ गया इस ग्रुप में, टीचर के आने से पूरा ग्रुप कितने लोगों का हो गया, तो 25 लोगों का। अब देखो ध्यान से, टीचर ने किया क्या, हे टीचर तेरी आयु जो होगी या आपकी जो आयु होगी वो तो 35 किलो से या तो ज्यादा होगी या तो कम होगी। 24 लोगों का औसत कितना है, 35 किलो। जिस ग्रुप का औसत 35 किलो था उसी में टीचर घुस गया, टीचर के जाने से एवरेज क्या हुआ, तो एवरेज इंक्रीज्ड बाय 400 ग्राम, 400 ग्राम से बढ़ गया। इसका मतलब पक्का टीचर जो होगा वो पक्का 35 किलो से ज्यादा को। टीचर कह रहा मेरा वेट 35 किलो से ज्यादा है, मैं बोला कैसे पता आपका ज्यादा है, बोला भैया आपका जो 24 लोग थे ना वो 35 किलो के हैं, मेरे जाने से पूरा ग्रुप का एवरेज बढ़ गया, इसका मतलब टीचर जो होगा वो 35 किलो से पक्का क्या होगा, ज्यादा होगा। टीचर ने एवरेज बढ़ाया कितना, 400 ग्राम। 1 किलो बढ़ाता तो गुना एक करता, और वो भी कितने लोगों में बढ़ाया, तो पूरे ग्रुप का एवरेज बढ़ गया। कितने लोग हैं, 25 लोग, 25 लोगों में अगर 4 किलो होता तो गुना 4 कर देता। ये 400 ग्राम है, तो ग्राम को किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो। क्यों, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। भैया फिर से देखो, मन मन में टीचर कह रहा है मैं ग्रुप में जाकर एवरेज को 400 ग्राम बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब टीचर आपका जो वजन है ग्रुप के रेफरेंस वजन से ज्यादा होगा। रेफरेंस का मतलब समझ रहे हो, एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया, ग्रुप का 35 किलो, टीचर कह रहा है मैंने एवरेज को बढ़ा दिया है, मतलब मैं 35 किलो से ज्यादा हूं। मैंने बोला कितना ज्यादा हूं, तो एवरेज बढ़ाया है 400 ग्राम, वो भी कितना लोगों में, कितने लोगों में, 25 लोगों में। 4 किलो होता तो गुना 4 करता, ये ग्राम में है तो ग्राम को किलो कन्वर्ट कर दिया मैंने। ये 00 00 खत्म हो गया। 5 ने मारा धड़ 2 बार में, 5 ने मारा यहाँ 5 बार में, और 2 इस 4 को खा जाएगा 2 बार में। तो भैया टीचर का वजन कितना हो गया, 35 किलो प्लस ऑफ 5 × 10 किलो, तो हे टीचर तेरा वजन कितना है, 45 किलो। कितने लोगों का आंसर आ गया, मुस्कुरा कर बताएं। बहुत सही, बहुत सही, 45 kg, हाँ 2/5 kg बढ़ गया। अरे सौरभ क्या बात की तुमने, 2/5 बढ़ गया, बहुत सही, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन दोस्त सौरभ। 2/5 ही है बच्चा, 2/5 है, 400 ग्राम को 2/5 किलो बोलते हैं, बेहतरीन बच्चा, बेहतरीन, बहुत सही, 45 किलो। नाम आया कौशल पंडित, कौशल पंडित ने सबसे पहले आंसर दिया, बहुत सही कौशल पंडित, उड़ाओ कौशल पंडित। अगला क्वेश्चन,
कंसेप्ट चेंज, अब तक कोई आ ही रहा था, अब ये रिप्लेस कर रहा है। भैया रिप्लेस कर रहा, उड़ा दो इसे। बहुत प्यारा क्वेश्चन। आई एम न्यू स्टूडेंट विजय, आपका स्वागत है, सुस्वागतम। धड़ा दो बिहार यूपी वाले, जुड़ जाओ हमनी के, देख ले अब जा। बिहार में कहते हैं ना, देख लेंगे वाई ग्रुप को, तो हमनी के देख ले जा। अरे पूरा बिहार और ईस्ट यूपी आ जाए यहां पर, ईस्ट वेस्ट यूपी, एमपी, बंगाल, सब फोड़ फाड़ दो। आमी तोमा के भालोबासी, उड़ा दो बंगाल से लेकर यूपी तक, हरियाणा से लेकर बागपत और राजस्थान तक, सारे के सारे आ जाएंगे, है ना। कैडेट्स डिफेंस एकेडमी कभी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन में पार्शियलिटी नहीं करेगा। ये नहीं कि बुलाएगा कि ऑफलाइन आओ, यहां पर हम लड्डू दिखाएंगे, ना 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 और ना। कैडेट्स डिफेंस एकेडमी जैसा ऑनलाइन पढ़ाएगा वैसी ऑफलाइन पढ़ाएगा। इनफैक्ट ऑनलाइन में तो और धड़धड़ाएगा, हम तो ऑनलाइन में सूट बूट में आते हैं, ऑफलाइन में तो हम नींद में भले ही उठ के आ जाए, लेकिन ऑनलाइन में तो भाई साहब हम एकदम खतरनाक हो जाते हैं। ठीक है, उड़ाए से राजस्थान, वेरी गुड। एवरेज, ये जो बहुत प्यारा कंसेप्ट है दोस्त, बहुत ही प्यारे तरीके से इसको देखने वाले हम। ठीक है, रंग चेंज कर ले, हम रंग चेंज करना पड़ता है इसमें। ठीक है, जिंदगी रंगों से भरा हुआ है। एवरेज एज ऑफ 20% इंक्रीजेस बाई 1 year 6 month। एक दो क्वेश्चन अच्छे भी देखेंगे, 55 55 आंसर आ रहा है। भैया लोग बाग कितने हैं, तो टोटल लोग 20, एकदम ध्यान से देखेंगे बच्चा। 20 लोगों की औसत आयु 1 साल 6 महीने से बढ़ गई जब एक 25 साल के बंदे को एक नए बंदे ने रिप्लेस कर दिया। When one person of age 25 year replaced by new person। भैया 20 लोगों में से एक बंदा चला गया और दूसरा बंदा आ गया, तो अभी भी कितने लोग रहेंगे? 20 ही लोगों। ये रिप्लेस का कंडीशन है। अब तक कोई ग्रुप में आ रहा था, इस बार ग्रुप को कोई रिप्लेस कर रहा है। 20 लोगों की औसत वजन क्या हो गई? बढ़ गई। कब बढ़ गई भाई? 20 लोगों की औसत वजन तब बढ़ गई जब एक 25 साल के लड़के को किसी और ने रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब यह है कि ग्रुप में से इस 20 लोगों में से एक 25 साल का लड़का बोला, मैं तो जा रहा हूं और मेरे स्थान पर कोई और आएगा। 25 साल के लड़कों को किसी और ने रिप्लेस कर दिया। भैया एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, सबको क्लिक कर जाएगा, डेली लाइफ है। अगर 25 साल का लड़का जाकर अगर 25 साल का आ जाएगा तो क्या होगा बताओ? 25 साल का लड़का गया और 25 साल का आ जाएगा, क्या होगा बताओ? एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। 25 का गया, 25 का आ गया, 25 का गया, 10 का आया, एवरेज कम। एवरेज तब बढ़ेगा जब जो नया बंदा है, न्यू पर्सन है, वो पक्का वो बंदा 25 साल से क्या होगा, वो ज्यादा होगा। मैंने बोला, अच्छा तू ज्यादा है? बोला हाँ। बोला कैसे है? बोला बाबूजी जो आपका लड़का गया था ना, वो मात्र 25 साल का था। जो बंदा गया था वो 25 साल का था। मेरी औकात समझो बाबूजी। मैं बोला बता तेरी औकात क्या है। बोला बाबूजी उसको हटाकर मेरे आने से ग्रुप का एवरेज बढ़ गया। इसका मतलब बाबूजी मैं 25 साल से क्या हूं? ज्यादा, है ना। 25 साल का गया, 25 साल का आ गया, एवरेज में कोई चेंज नहीं होगा। नया बंदा जो आया है 25 साल का वाले स्थान पर, उसने एवरेज को बढ़ा दिया। इसका मतलब नया बंदा पक्का 25 साल से क्या है? ज्यादा है। एवरेज बढ़ाया कितना? अरे एवरेज बढ़ाया कितना? एवरेज बढ़ाया उसने 1.5 साल, 1 साल 6 महीने, 1.5 साल, वो भी कितने लोगों में? 20 लोगों में। तो 20 लोगों में अगर 1.5 साल की वृद्धि होगी, वो कह रहा बाबूजी मेरी औकात खतरनाक है, आपके 25 साल वाला बच्चा नहीं हूं मैं। मैं बोला कितना है तू? तो बोला बाबूजी मैंने एवरेज बढ़ा रखा, एवरेज मतलब कद्दू कटा तो सब में बांटा है मैंने, 1.5 1.5 एवरेज बढ़ा दिया 20 लोगों में। इसका मतलब मैं 25 का तो हूं ही, प्लस मैं कितना हो गया? भैया 1.5 गुना 20 कितना होगा? 20 गुना 1 कितना हुआ? 20, और 20 गुना आधा कितना हुआ आपका? 10। तो भैया ये कितना हो गया? 20 गुना 1.5 30 हो गया। तो भाई 25 प्लस 30 कितना आपका? 55 साल का बंदा आया है, नया बंदा 55। ये सब क्वेश्चन क्या हम एक्से करेंगे? क्या हम एग्जाम में गुना भाग करेंगे भाई साहब? नहीं, ये सब क्वेश्चन हम विजुअलाइज करेंगे। अरे एक बार अपने आप पर मोहब्बत बरसा दो, अगर समझ में आ गया तो। नया कंसेप्ट था भैया, नया कंसेप्ट था। अगर समझ में आ गया तो एक बार अपने आप मोहब्बत बरसा दो जितने लोगों का बन गया।
दिल फेंक के मारो, मैं कैच कर लूंगा। मैं पूरा बहुत बड़ा दिल है आपके भाई का। ठीक है, नया बंदा एवरेज को बढ़ा रहा, 25 साल का गया। दोस्त इधर ही हो, इधर आ। ये देखो इसका नाम जय हिंद है। ये 25 साल का है, ये 20 लोग के ग्रुप में था। अब एकदम समझो तुम, जय हिंद, मुस्कुरा दे एक बार, ऑल दी बेस्ट बोल दे एक बार। हाँ, ये 25 साल का है, 25 साल को हटाकर मैं आ गया। भाई साहब मेरी औकात तो पक्का ज्यादा होगी, मैं 25 साल से बड़ा हूं। मैं कितना बड़ा हूं? मैंने एवरेज बढ़ाया 1.5 साल। कितने लोगों में? तो 20 लोगों में। 20 लोगों में 1.5 साल बढ़ाना मतलब 20 गुना 30 साल एक्स्ट्रा लेकर आया हूं मैं। मतलब तो ये जो 25 का गया उतना तो हूं ही मैं, मेरा एक्स्ट्रा सब में बटा है, मेरा कद्दू सब में कट गया भैया। तो भैया 30 + 20 = 25 + 30 कितना हो गया? 55 साल। अगला क्वेश्चन फोड़ेंगे, फोड़ दो, धुआं धुआं कर दो, आग लगा दो और लिख दो जय हिंद, फोड़ दो भैया। उड़ा दो। अरे अमित कुमार समझ में नहीं आया, इस बार समझेंगे भाई साहब, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। साठ आया मुरीद खान का। मुरीद खान कहां से हो तुम? 60, 40, 55। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही। देखो ध्यान से, जिसको पिछला वाले क्वेश्चन में कहीं दिक्कत हुआ इसमें देखेंगे। आज हम एक ही कंसेप्ट के अलग अलग पहलू देख रहे हैं। घर जाएंगे इसी क्वेश्चन पे नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अरे एक ही क्वेश्चन को अगर मैं 3-4 बार कर लूंगा तो इससे बेहतरीन प्रैक्टिस क्या होगा, है ना? तो एकदम खूबसूरती से अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, लोगों के आंसर धड़ाधड़ आ रहे हैं, आप देखते ध्यान से समझते हैं। एवरेज एज ऑफ 10% इंक्रीजेस बाय 2 ईयर। 10 लोगों की औसत आयु बढ़ गई। भैया लोग बाग कितने हैं? लोग बाग 10 लोग हैं। इन लोगों की औसत आयु बढ़ गई। कैसे बढ़ता है औसत आयु? औसत आयु तब पड़ेगा जब इसके ग्रुप में कोई बड़ा आदमी आएगा, है ना, या फिर छोटा आदमी छोड़कर जाएगा। छोड़ने वाला कंडीशन हम देख ही नहीं रहे। 10 लोगों की औसत आयु 2 साल से बढ़ गई जब when a person of age 40 year replaces by new person, जब एक 40 साल के बंदे को एक नया बंदा निकाल रिप्लेस किया। लोग बाग 10 थे, इन्हीं 10 लोगों में एक 40 साल का बच्चा बंदा था, वो बोला भाई साहब मैं जा रहा हूं। मैं बोला तू जाएगा तो मैं किसी और को लाऊंगा। भैया 10 से एक निकला और एक वापस आ गया तो कितने लोगों गए? अब भी 10 ही हैं। 10 लोगों के एवरेज में हुआ क्या? तो 10 लोगों में से एक बंदा 40 साल का छोड़कर चला गया, इसको गया और दूसरा आ गया और दूसरे ने एवरेज को बढ़ा दिया। दूसरा बोला बाबूजी आप टेंशन मत लो, कितने साल का गया? बोला 40 साल का। 40 साल का गया, अगर 40 साल का आता तो एवरेज में फर्क नहीं पड़ता, 40 को निकाल कर 40 जोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़े नए बंदे ने एवरेज को बढ़ा दिया 40 साल, ग्रुप में से इन 10 लोगों में से एक को निकाला 40 और नए को ला दिया और नए ने एवरेज को बढ़ा दिया। इसका मतलब नया बंदा कह रहा है बाबूजी मैं तो 40 साल से क्या हूं, बड़ा हूं। मैंने बोला कैसे पता तू बड़ा है? तो बोला बाबूजी आप ही बताओ ना, जनरल सा कंसेप्ट है, अब तो डेली लाइफ हो गया। बाबूजी मेरे आने से आपका वो बंदा 40 साल का था, मेरे आने से एवरेज में वृद्धि हो गई। कितने की? 2 साल की। बाबूजी मेरी औकात 2 साल बढ़ी है, मैंने एवरेज को बढ़ा दिया सबका। कितना एवरेज बढ़ाया? 2 साल। कितने लोगों में? 10 लोगों में। अगर 10 लोगों का एवरेज 2 साल बढ़ गया मतलब 10 × 2 कितना हुआ? मैं 20 साल बड़ा हूं। 10 लोगों की एवरेज आयु 40 साल, 40 साल 10 लोगों की एक एवरेज आयु थी, उनमें से एक 40 साल का बच्चा को निकाल दिया मैंने। 10 लोग का कितना था नहीं पता, 40 साल को निकालकर दूसरे को लाया। दूसरा जो होगा वो 40 से ज्यादा या तो कम का होगा। नया बंदा आया, बोला भाई साहब मैं एवरेज को बढ़ा रहा हूं, मतलब जो आपका 40 साल का बंदा गया उससे मैं बड़ा हूं, मैंने एवरेज बढ़ाया 2 साल। कितने लोगों में? 10 लोगों में। इसका मतलब मैं उस गए हुए बंदे का, वो तो 40 का था और मैं उससे 20 साल ज्यादा हूं, तो नया बंदा कितने का हो जाएगा? 60 साल। बताएं मुझे कितने लोगों का आंसर आ गया, एक बार हाथ उठाकर बताएं। 60 साल। कैडेट्स डिफेंस अकेडमी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे बंगाल में ऐसे ही करते हैं, जब कोई नेता खड़ा होता तो ऐसे बोलता जिंदाबाद, जिंदाबाद।
तो कैडेट्स डिफेंस अकेडमी जिंदाबाद, अजय धाकड़, अजय धाकड़, बहुत सही। तो भैया हमने दो कंसेप्ट देखा, क्वेश्चन नंबर सातवा, उड़ाए उड़ाए उड़ाए, डिक्रीज कर दिया भाई साहब, डिक्रीज हो गया, क्या होगा देखो, उड़ाए आंसर, ऊपर से आंसर दे, ऊपर से आंसर दे, बहुत सही, बेहतरीन बेहतरीन। हर दिन का क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, हर दिन दो कंसेप्ट देखेंगे, दो कंसेप्ट के अलग अलग पहलू देखेंगे और सेम प्रैक्टिस कर देंगे घर पर जाकर। पीडीएफ घर के लिए भी दूंगा, क्लास के लिए तो है ही, घर के लिए भी पीडीएफ मिलेगा। उड़ा दे भाई साहब, उड़ा दे। सबसे पहले आया किसका आया, क्या नाम है भाई, कौशल पंडित, और किसका आया, शिवम, और इतने धड़धड़ा कर आप आंसर कर रहे हैं, विनित तोमर धड़धड़ कर दिए सर, अरे भानु प्रताप सिंह, बहुत सही भानु प्रताप सिंह, उड़ा दिया तुमने, ठीक है। भानु प्रताप सिंह का सबसे पहले आंसर है, देखो ध्यान से क्या कह रहा है भैया, लोग बाग कितने हैं, एवरेज एज ऑफ 10%, भैया लोग कितने हैं, टोटल लोग 10 हैं, एवरेज एज ऑफ 10% डिक्रीजेस बाय 2 ईयर, भैया कम हो गया, कब, व्हेन अ पर्सन ऑफ एज 60 ईयर रिप्लेसेस बाय न्यू पर्सन, 10 लोग ग्रुप में थे, उनका एवरेज कम हो गया, कब, जब एक बंदे के स्थान पर दूसरा आ गया, तो अभी भी तो 10 ही लोग हैं, जो बंदा ग्रुप से निकल कर गया है वो 60 साल का बंदा है, वो बोला मैं जा रहा हूं, 60 साल के जगह पर अगर 60 साल वाला बंदा और एक आ जाएगा तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होगा, 60 को निकाल कर 60 जोड़ दो, लेकिन नए बंदे के आने से एवरेज हो गया कम, एक बुजुर्ग गया 60 साल का, नया बंदा आया और औसत कम हो गया, इसका मतलब नए बंदे की औकात 60 साल जितनी नहीं है, तो न्यू पर्सन कितना होगा, अब तक तो आ गया होगा आप लोगों का न्यू पर्सन पक्का, इस बार 60 से प्लस होगा कि माइनस होगा, अरे बोलो भैया, नया बंदा कह रहा है बाऊजी मेरे आने से आपकी ग्रुप की आयु कम हो गई, इसका मतलब यह है कि 60 साल वाला बंदा जो गया था वो 60 साल वाला बंदा नहीं आया है, उससे क्या आया है, छोटा आया है, औसत को कम कर दिया उसने, कितना कम किया, 2 साल, कितने लोगों में, 10 लोगों में, 10 लोगों में 2 साल कम हो गई, मतलब वो 60 साल का नहीं है, वो 60 साल से 20 किलो कम हो गया, 20 साल तो 60 माइनस 20 कितना आपका 40 सर, अरे अब तो नेगी जी भी आंसर दे रहे, अरे नेगी जी भी आंसर दे रहे एनडीए वाले, बहुत सही, ठीक है। अगला अंतिम 3 क्वेश्चन देखते कौन फोड़ता है, अरे नया कंसेप्ट, चौथा कंसेप्ट आज के क्लास का, अरे बहुत ही बेहतरीन उम्दा कंसेप्ट है ये, बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट है, उड़ा देंगे ये कंसेप्ट, ये क्या आ गया, डेंजर सा क्वेश्चन, आज मैंने यहां ऑफलाइन में टेस्ट लिया था, बच्चों ने दावा किया सर ये क्वेश्चन आपने नहीं करवाया था, मैंने बोला जो करवाऊंगा वो जरूरी था ना कि फंस जाएगा, कंसेप्ट फंसेगा, अभी अचानक से नया क्वेश्चन आ गया, अब यह क्या होगा, देखो ध्यान से, एक्स ग्रुप मैथ, मैथ्स भी होगा, फिजिक्स भी होगा, 42.5, अरे सही, बहुत सही बहुत सही, उड़ा दो, देखो ध्यान से बच्चा, अगला 3 कंसेप्ट जो होने वाला है बहुत ही उम्दा, 8वां 9वां 10वां, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है ना, खूबसूरती से देखेंगे, क्वेश्चन दिख रहा है टफ, लेकिन हमने भैया ठान रखी है कि हम कंसेप्ट से करेंगे, कंसेप्ट हिलेगा नहीं हमारा, इधर देखो ध्यान से, एवरेज एज ऑफ 20% इंक्रीजेस बाय 6 मंथ व्हेन 2% ऑफ एज 45 and 30 ईयर रिप्लेसेस बाय 2 new person, याद करो अब तक कितने को रिप्लेस कर रहे थे, सिर्फ एक को, इस बार कितने लोगों को रिप्लेस कर रहे, 2 लोग, अरे हाँ या ना बोलो, हाँ ठीक है भैया, कितने लोग है टोटल लोग, कितने, 20 लोग हैं, 20 लोगों में से 20 लोगों की औसत आयु बढ़ गई, कब बढ़ गई, जब एक 45 साल का और एक 30 साल के लड़के को रिप्लेस कर दिया, 2 लोग को निकाल फेंका और 2 लोग को वापस ले आया, तो अब भी ग्रुप 20 का ही है, एवरेज क्या हुआ, तो एवरेज में 6 महीने की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, याद करो इससे पहले सिर्फ एक बंदा गायब होता था, इस बार 2-2 बंदे गायब हो गए, तो भैया उससे कोई मतलब नहीं है, 45 और 30 मिलाकर कितना होता है, 75 साल, 75 साल के लोग गायब हो गए, इनके स्थान पर नए लोग आए, उन 2 नए का 2 न्यू का जो टोटल होगा, उन दोनों नए का जो टोटल होगा, या तो वो 75 से ज्यादा होगा या तो 75 से कम होगा, भैया 30 साल और 45 साल मिलाकर 75 साल होता है,
तो भैया 75 साल से या तो ज्यादा होगा या तो 75 साल से क्या होगा आपका, कम होगा। नए बंदे के आने से एवरेज 6 महीना बढ़ गया, इसका मतलब वो दोनों नए बंदों का जो टोटल होगा वो 75 साल से पक्का क्या होगा, ज्यादा होगा। उन्होंने बोला कि हमारे आने से एवरेज बढ़ गई आपकी, इसका मतलब हम 75 साल से बड़े हैं। पुराने दोनों बंदे मिलाकर 75 थे, बाबूजी हम 75 के नहीं है, देखो ध्यान से ये कंसेप्ट कहता है, आप गलत मत कीजिएगा, हाथ पकड़ लूंगा मैं आपका। उनने बोला 20 लोग थे, दो लोग आपके निकले, दो लोग हम लोग आ गए और एवरेज गया बढ़। मैं बोला कैसे बढ़ गया, बोला बाबूजी आपके लोग 75 के थे, हम ऐसे वैसे लोग नहीं, हमने ग्रुप का एवरेज को बढ़ाया है 6 महीना, इसका मतलब हमारा टोटल 75 साल से बड़ा होगा। एवरेज बढ़ाया कितना, एवरेज बढ़ाया 6 महीना, कितने लोगों में, 20 लोगों में, 6 महीने का मतलब आधा साल होता है, तो 20 लोगों में आधा साल, 20 गुना आधा कर दूं, है ना। अरे 6 महीना मतलब क्या होता है बच्चा, प्यारे बच्चों 6 महीने मतलब आधा साल होता है, इसका मतलब इन लोगों का जो टोटल आएगा 75 प्लस ऑफ कितना होगा आपका 10, तो इन लोगों की टोटल आयु 85 साल होगी, इन दोनों बंदों की टोटल आयु 85 साल। क्लियर है, फिर से समझो, आंख बंद करके देखो, ये सब क्वेश्चन ना एकदम हलवा क्वेश्चन है, आराम से उड़ा देंगे ऊपर ऊपर से। 30 और 45 मिलाकर कितना होता है 75, 75 साल के दो लोग निकल गए, नए दो लोग आए, नए दो लोगों ने एवरेज को बढ़ा दिया, तो इसका मतलब नए दो लोग पक्का 75 साल से ज्यादा है, क्योंकि पुराने वाले मेरे 75 के थे, नए वाले तो और खतरनाक है, इन लोगों ने एवरेज को बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया एवरेज, आधा साल, 6 महीना मतलब आधा साल, कितने लोगों में, 20 लोगों में, 20 लोगों में आधा साल बढ़ा दिया, मतलब 10 साल ज्यादा है, तो इनकी टोटल आयु निकल कर आ गई। क्वेश्चन ने बोला कि इनका एवरेज क्या होगा, अगर दो लोगों का टोटल अगर 85 है तो दो लोगों का एवरेज कितना होगा, तो 85/2 कर दो, कितना हो गया आपका 42.5 ईयर, 42.5 साल, 42.5 ईयर, 42.5 साल, मारा धड़। अरे फिर से देखो ध्यान से, फिर से शुरू से बताए, प्रियांशु बच्चा देखो ध्यान से, फिर से बच्चा देखो ध्यान से, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ध्यान देना एकदम प्यार से देखेंगे, और एक प्रॉमिस करो कि अभी मैं फिर से बता रहा हूं लेकिन अगला क्वेश्चन आप ऊपर ऊपर से उड़ा दोगे, पहले प्रॉमिस करो उड़ा दोगे भाई, भाई ध्यान दो, कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, 20 लोगों में से कितने लोग चले गए, दो लोग, और वापस कितने आ गए, दो लोग, अब भी कितने हैं, 20 है। ये संख्या बार बार क्यों देख रहा हूं मैं, क्योंकि कद्दू कितने लोगों में कटेगा ये भी देखना है हमें। 20 लोगों में से दो लोग चले गए, एक गया 30 साल का और एक गया 45 साल का, ये बोले भैया हम तो जा रहे, मैं बोला फिर आ रहे हैं हमारे दोनों स्थान पर, हमारे स्थान पर दो लोग और नहीं आ रहे। अरे 30 और 45 मिलाकर कितना होता है 75 साल, 75 साल के लोग चले गए, 75 साल के लोग चले गए, इनके स्थान पर दो नए बंदे आ गए, इन दो न्यू पर्सन का जो एज होगा, इन दो न्यू पर्सन का जो टोटल होगा वो पक्का क्या होगा, 75 से ज्यादा होगा। कैसे पता ज्यादा होगा, क्योंकि पुराने वाले ही 75 के थे, नए वालों ने तो एवरेज को बढ़ा दिया है, इसका मतलब नए वाले 75 साल से क्या है, ज्यादा है। अगर ये 75 साल से इनका टोटल ज्यादा नहीं होता तो एवरेज बढ़ा ही नहीं पाते, पुराने वाले ही 75 के थे, नए वालों ने एवरेज बढ़ा दिया, मतलब 75 साल से बड़े हैं। एवरेज बढ़ाया कितना, एवरेज बढ़ाया 6 महीने, 6 महीने को आधा साल कहते हैं, कितने लोगों में, तो 20 लोगों में, सब में वृद्धि हुई, 20 लोगों में अगर एक साल बढ़ाता तो पक्का मां भवानी की सौगंध गुना एक करता। इसने बोला 6 महीने, 6 महीने को मैं आधा साल लिखता हूं, 20 लोगों में आधा साल बढ़ गया, 6 महीना मतलब आधा साल, तो ये 75 और प्लस ऑफ ये मारेगा इसको धड़ से कितनी बार में, 10 बार में, तो इनका टोटल कितना हो गया 85 साल, इन दोनों नए बंदों का टोटल आ गया 85, और अगर दो लोगों का नया टोटल 85 है तो इन दोनों का एवरेज जो होगा वो क्या होगा, दो लोग का अगर 85 टोटल है तो एवरेज क्या होगा, 2/2 कर दिया, कितना हो गया आपका 42.5। अगला क्वेश्चन ऐसी मन मन में उड़ाएंगे, 42.5, 42.5, 42.5 उड़ाएं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन उड़ा दें, अरे देखे उड़ाएं, देखे और उड़ाएं, फड़ाक से उड़ाएं, ऊपर ऊपर से पन्ना उठाएं, धड़धड़ा दो दोस्त, अरे ऊपर से उड़ाएं बच्चा, ऊपर ऊपर से उड़ाएं, कितना है बताओ आंसर, कितना है आप लोग का, अरे नेगी देखो कितना आ रहा आंसर,
41 आ रहा है, 41 लोगों का, 41 क्या 41 है आंसर? सिद्धार्थ यादव कह रहा है कि 41 आया। अरे भाई सिद्धार्थ देखते हैं सही कि नहीं तुम्हारा। कितने लोग हैं? 10 लोग। टोटल लोग कितने हो गए? टोटल लोग हो गए 10। 10 लोगों में से 10 लोगों की औसत आयु बढ़ गई। कब बढ़ गई? जब दो लोग चले गए, दो लोग गए और दो लोग वापस आ गए, तो अभी भी कितने हैं? 10 लोग। 10 लोगों का एवरेज में परिवर्तन क्या हुआ? इन 10 लोगों में से दो लोग ग्रुप छोड़कर गए हैं, एक 42 साल का और एक 30 साल का। 42 साल और 30 साल मिलाकर कितना होता है बताओ? तो 42 और 30 मिलाकर कितना होता है? 72 साल के लोग चले गए और इन्हीं के स्थान पर दो नए लोग आ गए। 72 साल को निकालकर दो नए लोग को ला दिया, तो भैया दोनों नए लोग, दो न्यू पीपल, इनका दो न्यू का जो टोटल होगा, इन दोनों नए बंदों का जो टोटल होगा वो 72 साल से या तो बड़ा होगा या तो कम होगा। मुझे ये देखना है कि नए बंदे के आने से हुआ क्या। अरे नए बंदे कह रहे बाबूजी ऐसा है कि हमारे आने से आपके जो दो पुराने थे वो मिलाकर 72 थे, हम दो आ गए। भैया एक मैगी का पैकेट 10 रुपए का है, 12 का है। मैगी का पैकेट 12 रुपए का, कितने का? 12। ये बिस्किट का पैकेट कितने का होगा? मैगी का पैकेट को हटा कर 5। क्या कह रहा तू? मैगी का पैकेट 12 रुपए का, ये बिस्किट का पैकेट कितना होगा? या तो 12 से ज्यादा या तो 12 से कम। ये तो दो कंडीशन है। अरे 30 और 42 मिलाकर होते 72। 72 के दो लोग चले गए, नए दो बंदे आए, नए बंदों ने कह रहा कि हम एवरेज को एक साल बढ़ा रहे, इंक्रीजेस बाय वन ईयर। अगर नया बंदा औसत बढ़ा रहा है, इसका मतलब पक्का इन दोनों नए बंदों का टोटल जो होगा वो 72 साल से क्या होगा? ज्यादा। औसत बढ़ाया कितना इन लोगों ने? एक साल। कितने लोगों में? उन्हीं 10 लोगों में। तो 10 लोगों में एक साल बढ़ाना मतलब गुना एक कर दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में 6 महीना था, 6 महीना मतलब आधा साल, तो ये कितना हो गया? 72 प्लस 10 कितना हो गया? आपका 82 साल इनका टोटल निकल कर आ गया। इन दोनों का टोटल 82 आ गया। अलग अलग निकल नहीं पाएगा जब तक कोई डेटा ना दे। इन दोनों नए बंदों का टोटल 82 आ गया। पुराने 72 थे, नए बंदों ने एवरेज बढ़ा दिया, तो नए बंदे टोटल आ गए 82। और इनका एवरेज निकालना, तो एवरेज निकाल दो। एवरेज कितना होगा? तो 82 अपॉन में दो लोगों का है, तो भैया 2 कितना होगा? हमारा थर्ड कितना होगा? 41 ईयर। बताओ मुझे कौन कौन ये क्वेश्चन मन मन में कर देगा? हाथ उठाकर बताए कौन कौन ये क्वेश्चन मन मन में करेगा? अरे वेरी गुड, 1608 लाइक, बहुत सही लड़को। अरे धड़धड़ा दिया तुमने, तुमने तो कह दिया कि सर रेगुलर क्लास ले लो एकदम खतरनाक वाला। अब तो हर दिन एक ही कंसेप्ट के अलग अलग पहलू देखेंगे और उसी पे पीडीएफ करेंगे। डेली का 10 क्वेश्चन रात 8 बजे मेरे साथ, डेली रात को 8 बजे 10 क्वेश्चन मेरे साथ, पूरा टॉपिक लेके चलेंगे। 10 क्वेश्चन यहां, 10 क्वेश्चन होमवर्क पे। मन मन में हो जाएगा दोस्त? हो जाएगा ये? ठीक है, तो अंतिम क्वेश्चन पे चल ले। अंतिम क्वेश्चन से चलने से पहले एक बार मुस्कुरा दो, हल्का सा मुस्कुरा दो भाई। जयंत तो मुस्कुरा नहीं रहा, देख मुस्कुरा नहीं रहा भाई, देख तो गलत बात है। तेरी मुस्कुराहट में फिदा और तू मुस्कुरा ही नहीं रहा। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कौन उड़ाता है। थोड़ा सा तो टफ बनता है। तो अगला क्वेश्चन ये है, उससे पहले देखो ध्यान से, मास्क जरूर पहने, वियर मास्क, मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट वियरिंग राइट नाउ बिकॉज आई एम टेकिंग लाइव लेक्चर्स, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट वियरिंग। ठीक है, इंग्लिश भी खतरनाक है भाई का। ठीक है, तो मास्क जरूर पहने और कैडेट्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर रेगुलर विजिट करें, टेलीग्राम चैनल पर जरूर विजिट करें, है ना? एकदम, चाहे आप एयरफोर्स के हो, नेवी के हो, एंड ऑल रेगुलर क्लासेस चलेगी आपकी, इंग्लिश की भी, फिजिक्स की भी, जीएस की भी और आपकी मैथ्स की भी, सबकी रेगुलर क्लासेस सारा चलेगा आपका। बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं किया जाएगा। ये नहीं कि मैथ्स में अलग पढ़ाया जा रहा है ऑफलाइन में और ऑनलाइन में, कहीं भी कोई पार्शियलिटी नहीं होगा। तो अंतिम क्वेश्चन के साथ देखते हैं अंतिम क्वेश्चन कौन उड़ाता है। अंतिम क्वेश्चन कौन उड़ाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। अंतिम क्वेश्चन कौन उड़ाता है? उड़ा दो। मैं मणिपुर से हूं। अरे अमित कुमार मणिपुर केम छो? अरे उड़ाओ। क्या है दोस्त? द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली विथ 5 मेंबर इज 28। भैया इस फैमिली में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। और हरिशंकर सिंह का सबसे पहले आया है, एवरेज कितना है? 28 साल।
इफ वन ऑफ द मेंबर ऑफ एज 20 इज एक्सक्लूडेड द एवरेज एज ऑफ द फैमिली विल बिकम, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। आखिरी कंसेप्ट है, देखो ध्यान से, कंसेप्ट देता चला जाऊंगा मैं। भाई साहब ये कह रहा है कि इस परिवार में 5 लोग है, औसत है 28 साल। 5 लोगों की औसत आयु 28 साल है, 20 साल का एक बंदा चला गया तो नया औसत बताओ। ट्रेडिशनल तरीका ये कहता है अगर 5 लोगों की औसत आयु 28 है, 5 लोगों की औसत आयु अगर 28 है तो 5 लोगों की जो टोटल आयु होगी वो 28 गुना 5 होगी। हाँ या ना बोलो हाँ, अरे यस नहीं बोलो हाँ। 5 लोगों की औसत आयु 28 साल है तो टोटल निकल कर आ गया, इसका मतलब पूरे परिवार की जो टोटल आयु होगी वो 140 साल होगी। क्लियर है भाई? 5 लोगों की औसत अगर 28 है तो टोटल परिवार 140 साल का है। इसी 5 लोगों में से एक परिवार का बंदा जो 20 साल का है वो गया, तो 140 में से अगर 20 साल का बंदा चला जाएगा तो अब जो परिवार की आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 120 साल। क्लियर है भाई? जो 5 लोगों का 28 साल था तो टोटल 140 था, 20 साल का बंदा चला गया तो 120 हो गया। कह रहा है अब इस परिवार का एवरेज क्या होगा, तो एवरेज देख लो, तो 120 साल परिवार का टोटल है और अब इस परिवार में मात्र 4 लोग बचे हुए। हाँ या ना? क्योंकि एक बंदा चला जा चुका है, 5 लोगों में से एक गया तो 4 लोग बढ़ गए, और 4 लोगों का अगर टोटल पता है तो 4 लोग का एवरेज कितना हो जाएगा, तो 30 साल। एक तो ये तरीका था आपका ट्रेडिशनल से किया मैंने, लेकिन आप बोलोगे सर इसको बताइए ऊपर ऊपर से कैसे उड़ाएंगे, हम यहां पर ऊपर ऊपर से बैठने के लिए बैठे हुए हैं। ऊपर ऊपर से विजन बताइए सर कि विजनरी मेथड कैसा है। आज तो कमाल कर दिया आप लोगों ने, लगातार 1000 प्लस बच्चे रहे हैं, खतरनाक। 1735 लोग, बहुत सही बच्चा, वेरी गुड। ये जुनून पाले रखो, एकदम पाले रखो, उड़ा देंगे एकदम। 5 लोगों का औसत 28 साल है तो टोटल कितना हो गया आपका, 140 साल। पूरा परिवार 140 साल का, 20 साल का बच्चा हॉस्टल चला गया तो परिवार में कितने हो गए, 120 साल हो गए। परिवार की टोटल 120 साल, वो भी 4 लोगों की। कह रहा अब परिवार का एवरेज क्या होगा, अब परिवार की टोटल 120 साल है और परिवार में मात्र 4 लोग हैं क्योंकि एक बंदा जा चुका है, कितना हो गया आपका 30 साल। एक तरीका तो ये हुआ। इसका कंसेप्ट क्या है देखो ध्यान से। धन्यवाद आदर्श कुमार मिश्रा, धन्यवाद कौशल पंडित, एकदम लेवल उठाएंगे, टेंशन मत लो, है ना, एक एक लेवल को खोलते चले जाएंगे, ठीक है ध्यान से। अभी मार्च तक का टाइम है हमारे पास, लगातार रहूंगा मैं, टेंशन मत लो, मंडे टू फ्राइडे लगातार, ठीक है। देखो ध्यान से अब इसे करेंगे कैसे, ऊपर ऊपर से। अब आपका एक क्वेश्चन आया होगा सर इसे ऊपर ऊपर से बताइए, ऊपर ऊपर से कैसे, ये तो समझ गए। अब बताइए सर एक बात बताइए, यहाँ 5 और 28 करके एक नंबर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं थी सर, अगर यहाँ पर 17 लोग होते या मान लो 35 लोग होते तो क्या मैं एग्जाम में 35 गुना 28 करता? ना 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 और ना, हम नहीं करते। ये तो 5 गुना 28 तो आसान था सर, आप बताइए अगर 35 हो गए तो क्या 35 गुना 28 करूंगा मैं? नहीं। क्या करेंगे हम, यहां देखो ध्यान से, एकदम खूबसूरती से देखो और मजा आ जाए तो बोल देना आहा। क्या बोलोगे? अभी नहीं, बाद में। 5 लोगों की औसत आयु कितनी है? 28 साल। परिवार 28 साल का है। इस 5 लोगों में से एक बंदा ग्रुप छोड़कर चला गया। याद करो 9 के 9 कंसेप्ट, हमने क्या किया था, कोई आ रहा था आ रहा था आ रहा था, इस बार क्या है, जा रहा। यही कंसेप्ट लेकर कल उतरूंगा मैं मैदान में, अभी फिलहाल को देख लो भैया। 28 साल में से एक बंदा जो चला गया वो कितना गया, 20। जब भी ग्रुप में से कोई छोटा बच्चा जाता है ग्रुप की औसत जाती है बढ़। छोटा बच्चा ग्रुप में आएगा एवरेज को कम करेगा, छोटा बच्चा ग्रुप से जाएगा एवरेज को बढ़ा देगा। मेरे गोद में कोई छोटा बच्चा आएगा तो मेरा एवरेज कम हो जाएगा, और मेरे गोद से जब मैं उतारूंगा तो मेरा एवरेज बढ़ जाएगा। हाँ है ना? छोटे बच्चों को अपना करीब लाऊंगा, वो 2 साल का, मैं 70 साल का, 30 साल का, वो 2 किलो का, मैं 70 किलो का। छोटा बच्चा अगर ग्रुप में आया, छोटा बच्चा ग्रुप में आएगा तो एवरेज कम हो जाएगा, और छोटा बच्चा जाएगा तो एवरेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। 28 साल का ग्रुप है, 20 साल का बच्चा चला गया, ग्रुप से छोटा बच्चा है, हाँ ना? अरे ग्रुप से छोटा है कि नहीं, बोलो हाँ। अरे हाँ है ना? अरे 28 साल का ग्रुप है और ये है 20 साल का, ग्रुप से जा रहा छोटा बच्चा। जब छोटा बच्चा एंट्री लिया होगा तो एवरेज को कम किया होगा, अब छोटा बच्चा जा रहा तो एवरेज बढ़ा देगा। कोई बताएगा ये 28 साल से कितना कम है? ये कम कितना है? 8।
भैया 8 का बेनिफिट मिल जाएगा कितने लोगों को, वो ग्रुप से छोड़ के चला गया कितने लोगों को, 4 लोगों को, इसका मतलब एवरेज जाएगा बढ़, वो भी कितना, 2 से बढ़ जाएगा, जो एवरेज 28 था वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, छोटा बच्चा ग्रुप में आएगा तो एवरेज को करेगा कम, छोटा बच्चा कह रहा मैं ग्रुप में आऊंगा तो एवरेज कम हो जाएगा और मैं ग्रुप से जाऊंगा तो एवरेज बढ़ा दूंगा। 28 साल का एवरेज था, मैं एग्जाम में अगर 35 बच्चे होते तो 35 गुना 28 नहीं कर सकता था, ये तो 5 गुना 28 आसान था। 28 साल का पूरा ग्रुप है, इसमें से छोटा बच्चा 20 साल का चला गया, सबके बल्ले बल्ले हो गए होंगे, क्योंकि छोटा बच्चा जब तक था ग्रुप में तो एवरेज को कम किए बैठा था। जब छोटे बच्चे को गोद से उतारोगे तो एवरेज क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। अरे छोटा बच्चा कितने साल का है, 20 साल का है, ग्रुप कितने का था, 28 का था, कितना कम है ये, 8 साल, तो 8 साल का बेनिफिट 4 लोगों को मिल जाएगा 2। इसी कंसेप्ट पे हम कल से वार करेंगे, मिलते हैं कल शाम को फिर से। तब तक के लिए मैंने आपको बता दिया कि ग्रुप में पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, ठीक है, तो 10 के 10 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल चुका है, आप उसे कर लीजिए। मिलते हैं कल शाम को फिर से 8 बजे, तब तक के लिए शब्बा खैर। मैं रोशन प्रताप सिंह, कैडेट डिफेंस अकेडमी से, हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। 2000 लाइक ठोक दो, वेरी गुड।